हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा UGC नेट, UPPGT, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का सिलेबस हो, उसे टॉपिक वाइज यूनिट वाइज कवर करवाया जाता है। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पुस्तकें एवं उनके लेखक के संदर्भ में देख रहे हैं, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे हैं और उनकी जो रचनाएँ भी हैं बहुत सारी हैं। तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी को कवर कर लो, फिर हम लोग यूनिट वाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग तो यूनिट को कवर करेंगे ही, साथ ही साथ आपको ये याद करने के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि थ्योरी को तो आप समझ भी लेंगे, उसका कीवर्ड को आप याद भी रख लेंगे, लेकिन ये पुस्तकें एवं उसके लेखक के नाम आपको याद रखना होगा। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट समझिए या फिर जो भी आप बोलिए, कि आप नोट्स बनाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए। मैं जो दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको खुद से लिखना चाहिए। आप खुद से जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक क्या हो रहा है। सिर्फ PDF प्रोवाइड कर देने से या किसी का देख लेने से कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। मेरा साथ तो आप लोग के साथ है ही और हमेशा रहेगा, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि PDF प्रोवाइड कर दीजिए, तो PDF प्रोवाइड कर आप पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ उसे समझने का कोशिश कीजिए, और उसे फिर अपना हैंड रिटन नोट से अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत सारी बातें होगी, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है, इसमें हम लोग 61 क्वेश्चन से लेकर 116 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में सामाजिक घटनाओं की कौन सी विशेषता है। सामाजिक घटना की यहाँ पे विशेषता के संदर्भ में बोला जा रहा है, जटिलता, सार्वभौमिकता, अमूर्तता या विजातीयता। किसके संदर्भ में? तो सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में। इस प्रकार से आपको कूट रहे जो सहित वाला प्रश्न भी दिया जाएगा, जिसमें एक सही तो दो सही, इस प्रकार फिर एक दो तीन, तीनों सही। तो इसमें सामाजिक घटनाओं की जो विशेषता है वो जटिलता, अमूर्तता और विजातीयता, ये तीनों ही होगी सामाजिक घटनाओं की विशेषता, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 पूछा जा रहा है कि द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 में नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो ये जो पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 में किसके द्वारा है, मैक्स वेबर, R.A. निस्बेट, SC दुबे या ल्यू डुमा। तो ये किसके द्वारा है, R.A. निस्बेट यानी रॉबर्ट ए निस्बेट जी के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके चार क्वेश्चन दिए, मतलब बुक के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे साइड में उनके राइटर के नेम है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द होली फैमिली या द रिम्बर्ट विलेज। तो स्पेकलर वाला सही है, टाइनबी वाला सही है, लेकिन होली फैमिली ये मैक्स वेबर का नहीं है, इसलिए जो सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा द होली फैमिली मैक्स वेबर, ये गलत है। द डिक्लाइन फैमिली ये वाले इसके लेखक स्पेंगलर है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक अर्नल्ड टाइनबी है, उसके बाद रिम्बर्ट विलेज के लेखक M.N. श्रीनिवास है, और द होली फैमिली के लेखक मैक्स वेबर नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक्स इंगल्स हैं, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये चारों ही पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, एलेक्स इंकेल्स। इन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी, तो 1920 में की थी, और ये क्वेश्चन आपका GIC परीक्षा 2015 में पूछा गया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो एलेक्स इंकेल्स हो जाएंगे। ये कब लिखी गई है, तो 1920 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है।
जो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलेक्स इंकेल्स। फिर देखिए 66 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा है, एलेक्स इंकेल्स जी के द्वारा लिखी गई है व्हाट इज सोशियोलॉजी, और ये पीजीटी 2016 के भी एग्जाम में ये पूछी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है, मानव चक्र इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। भगवान दास, अरविंद, एम के गांधी या राधा कमल मुखर्जी, तो मानव चक्र इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद। इन्होंने प्राचीन भारतीय दार्शनिकों की परंपरा में उपनिषदों और गीता की व्याख्या की। उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ दिव्य जीवन है, जो अंग्रेजी भाषा में दो भागों में प्रकाशित हुआ था। ये वाला देखिए यूपी पीजीटी में आपको अरविंद घोष का पढ़ना होगा। मानव एकता का आदर्श नामक पुस्तक में उन्होंने राजनीति और अंतर्राष्ट्रीयता का विवेचन किया। मानव चक्र यानी ह्यूमन साइकिल नामक पुस्तक में उन्होंने इतिहास दर्शन, समाज दर्शन और संस्कृति दर्शन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। काव्य की दृष्टि से उनका महाकाव्य सावित्री अंग्रेजी भाषा में विशिष्ट स्थान रखता है। श्री अरविंद ने सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। उनके प्रमुख ग्रंथ आर्य नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है कि मानव चक्र के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, श्री अरविंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मोक्ष गुडम विश्वेश्वरिया। मोक्ष गुडम विश्वेश्वरिया, उन्होंने यह पुस्तक कब लिखी है, तो 1936 में लिखी है उन्होंने यह पुस्तक। कब लिखी है, तो 1936 में, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक का विरेचन किनके द्वारा किया गया है, द साइंस ऑफ कल्चर ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, लेस्ली ए वाइट, उनके द्वारा, एल ए वाइट या लेस्ली ए वाइट जी के द्वारा द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक की रचना की गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये GIC परीक्षा 2009 में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है, सोशल ऑर्डर पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक ये रॉबर्ट बीड स्टीट जी के द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट बीड स्टीट जी के द्वारा लिखी गई है, सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 पूछा जा रहा है कि कर्म योग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, कर्म योग ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, राधा कृष्णन, एम के गांधी, भगवान दास या विवेकानंद, तो कर्म योग की बात कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने इस पुस्तक की रचना 1896 में की है। यह पुस्तक मुख्यतः स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में 1895 ईस्वी में दिए गए भाषणों पर आधारित है। कौन सा पुस्तक, कर्म योग। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड एक्शन अप्रोच पुस्तक विरचन किनके द्वारा किया गया, विरचन मतलब किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे, BD त्रिपाठी यानी बंसीधर त्रिपाठी, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और ये पुस्तक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, GIC परीक्षा 2009 में पूछी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी, प्रभु जाति किनके द्वारा दी गई थी, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, होमो हायरार्कीज, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, कास्ट डोमिनेंस एंड फैक्शनलिज्म में, तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है ये MN श्रीनिवास ने प्रतिपादित की थी। उनका जो निबंध था द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर, मैसूर निर्माचार्य ऐसा उनका नाम है ना, MN श्रीनिवास जी का, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी जिसमें प्रभु जाति मतलब जो उच्च जाति के लोग हैं उसके संदर्भ में बात की थी उन्होंने, प्रभु जाति मतलब विशेष जाति के संदर्भ में उन्होंने बात की थी। हम लोग जब MN श्रीनिवास जी का थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल्स में और जान लेंगे। तो इसके लिए वे क्या किए थे, उन्होंने जब रामपुरा गाँव था वहाँ पर जाकर वे अध्ययन किए थे, और अध्ययन करने के बाद अपनी थ्योरी को उन्होंने दिया था। कौन सा थ्योरी था, तो प्रभु जाति का थ्योरी था।
क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो डीएन मजुमदार, जिनका कि पूरा नाम है धीरेंद्रनाथ मजुमदार, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन इस पुस्तक के लेखक हैं एम फ्रांसिस अब्राहम। कौन है? एम फ्रांसिस अब्राहम, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स शीर्षक से पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक का प्रकाशन 1961 में के एम पांडिकर द्वारा किया गया है। उनकी अगर अन्य प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1954 में, सब एक पेज में लिख लीजिएगा, एक पेज में लिखने पर डेली इसको पढ़ना पड़ेगा नहीं तो फिर याद नहीं होगा। द 20th सेंचुरी 1966 में, कास्ट एंड डेमोक्रेसी ये आपका आ जाएगा 78 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वही पांडिकर महोदय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पांडिकर महोदय। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये वेस्टर मार्क जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1891 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक में वेस्टर्न मार्क मानव विवाह के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जिस पर एक जैविक नियम टिकी है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुषों की यौन संतुष्टि, भाईचारा, आर्थिक सहायता और वंश के पालन के लिए महिलाओं के साथ रहने की विकसित किया गया एक माध्यम है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसके द्वारा? वेस्टर्न मार्क जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न मार्क जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है कि किसने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स। कौन हो जाएंगे? सी राइट मिल्स या सी डब्ल्यू मिल्स भी ऐसे भी आ सकता है आपका। और इनकी अगर अन्य प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए, द पावर एलिट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन सोसाइटीज, इन सभी ये सभी क्या है हो जाएंगी सी डब्ल्यू मिल्स जी के, मतलब सी राइट मिल्स जी की ये प्रमुख पुस्तकें हो जाएंगी। सी राइट मिल्स इसको आप लोग याद रखिएगा, मतलब सी डब्ल्यू मिल्स, इनकी ये सब प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक थे, तो कौन हो जाएंगे? सी राइट मिल्स। फिर क्वेश्चन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सी राइट मिल्स या सी डब्ल्यू मिल्स, ध्यान देख लीजिएगा, नाम को थोड़ा ध्यान दे के कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कौन हो जाएंगे, तो सी राइट मिल्स हो जाएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनविटेशन टू सोशियोलॉजी ए ह्यूमेनिस्टिक पर्सपेक्टिव इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बर्जर महोदय, पीटर एल बर्जर। कौन हो जाएंगे? बर्जर महोदय। ये पीजीटी 2021 का परीक्षा रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विलियम जे गुडे और कौन हो जाएंगे? पी एफ हॉट। और देखिए पी के हॉट की जगह पी एफ हॉट दिया गया है जो कि वास्तविक नाम से मेल नहीं खाता है, ये पी एफ लिखा हुआ है, लेकिन इनका जो असली नाम है वो क्या हो जाएगा? पी के। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ था तो जो एग्ज़ाम में आया था वो क्वेश्चन ही वो गलत दे दिया गया था। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पी के हॉट और डब्ल्यू जे गुडे।
क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो गुडे एवं हार्ट ऐसे ही आता है, गुडे एवं हार्ट करके ही आता है, अधिकतर देखिएगा गुडे एवं हार्ट रहता है, जैसे मिकाइवर एवं पेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुडे एवं हार्ट, गुडे एवं हार्ट, मेथड इन सोशल रिसर्च, गुडे एवं हार्ट, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है कि सोसाइटीज़ इन इंडिया के लेखक कौन है, सोसाइटीज़ इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, डेविड जी मेंडेलबॉम, कौन हो जाएंगे, डेविड जी मेंडेलबॉम। सब विदेशी, समाजशास्त्री में जितने भी थिंकर आपको मिलेंगे ना, सब विदेशी, और सबका ऐसा ऐसा नाम है कि याद रखना मुश्किल है, सब आपको हिंदी कम ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि हिंदुला एंड कस्टम के लेखक कौन है, तो हिंदू लॉ, हिंदुला कर दिया लेकिन ऐसे है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन है, तो जी डी मैन, कौन हो जाएंगे, जी डी मैन। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना किनके द्वारा की गई है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरविंद, कौन हो जाएंगे, श्री अरविंद, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, श्री अरविंद। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने उनको देखा था, कोई श्री अरविंद हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो कौन हो जाएंगे, श्री अरविंद, कौन हो जाएंगे, श्री अरविंद। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी है, बताइए किसने लिखी है इंडियन विलेज नामक पुस्तक, तो एस सी दुबे जी ने, कौन लिखे हैं, श्यामाचरण दुबे जी ने लिखे हैं। और इंडियन विलेज पुस्तक कहीं कहीं एन इंडियन विलेज नाम से भी पूछ लिया जाता है, जबकि उसका जो वास्तविक नाम है वो क्या हो जाएगा, इंडियन विलेज, कौन हो जाएगा, इंडियन विलेज। और इंडियाज चेंजिंग विलेज ये पुस्तक इनके करने द्वारा लिखी गई है, इंडियाज चेंजिंग विलेज, बता सकते हैं आप लोग, इंडियाज चेंजिंग विलेज पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है, इंडियन विलेज पुस्तक तो एस सी जी दुबे के द्वारा लिखी गई है, और इंडियाज चेंजिंग विलेज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा है इंडियन विलेज, तो उसको देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया वैसे श्यामाचरण दुबे का, तो ये क्वेश्चन गलत था उस एग्जाम में, तो इंडियाज विलेज पुस्तक किसका है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। एंड इंडियन विलेज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये एस सी दुबे जी के द्वारा लिखे हैं, लिखे हैं, लेकिन एन इंडियन विलेज नहीं है, पुस्तक का नाम ओरिजिनल में है इंडियन विलेज, तो क्वेश्चन ये गलत पूछा गया था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, उसको क्वेश्चन को मतलब रॉन्ग करार दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि पुस्तक का जो नाम है वो है इंडियन विलेज, तो उसको हम लोग को याद रखना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि एस सी दुबे ने अपनी कृति एन इंडियन विलेज, फिर वही एन इंडियन विलेज पूछ ले रहा है, तो किस गांव का अध्ययन किया था, तो एस सी दुबे ने आंध्र प्रदेश राज्य के समीरपेट गांव का उन्होंने अध्ययन किया था, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया था, और समीरपेट का कौन अध्ययन किए थे, तो एस सी दुबे उन्होंने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी थी, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1958 में गया था, और वो अध्ययन करने के लिए कब गए थे, तो 1955 में गए थे, और इंडियाज चेंजिंग विलेज भी प्रकाशित किया था, इंडियाज चेंजिंग विलेज भी किनका है, तो एस सी दुबे जी का है। किसने समीरपेट नाम गांव का अध्ययन किया है, तो एस सी दुबे, ये प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन में हम लोग उसका डिस्कशन पूरा देख लिए, कौन हो जाएंगे, एस सी दुबे। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो वुमेन इन मॉडर्न इंडिया ये पुस्तक नीरा देसाई जी के द्वारा लिखी गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में किसने कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसफी शीर्षक से पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है, कोर्स डी पॉजिटिव फिलोसफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगस्त कौंत, कौन हो जाएंगे, अगस्त कौंत, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, और इस पुस्तक में उन्होंने किसके संदर्भ में बात की है, तो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में बात की है, किसके संदर्भ में, तो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में।
आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे, आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो मुझे भी तो मोटिवेट मिलेगा कि मैं और अच्छा क्लास लेकर आ सकूं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव फिलोसफी लेखक के इसके लेखक कौन है, तो अगस्त कौंत, कौन हो जाएंगे, अगस्त कौंत, पॉजिटिव फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है कि मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स के साथ किन्होंने सहयोग किया था, तो एजेंस महोदय ने, और इन्होंने इसको कब प्रकाशित किया था, तो 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र, हिंदी में नाम है उसका साम्यवादी घोषणा पत्र और इंग्लिश में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 पूछा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये जो पुस्तक है ये MS गोरे जी के द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, MS गोरे जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा जा रहा है कि MN श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित हुआ था, तो संस्कृतिकरण के बारे में उन्होंने सबसे पहले किसके संदर्भ में बात की थी, एक तो संस्कृतिकरण का जो सिद्धांत है किनके द्वारा दिया गया, तो MN श्रीनिवास जी के द्वारा, इसको याद रखिएगा, उन्होंने प्रभु जाति संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी अपनी पुस्तक रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के जो कुर्ग जनजाति थी उनका उन्होंने अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी अवधारणा को दिया था जो कि थी संस्कृतिकरण की अवधारणा। रामपुरा का अध्ययन किया तो उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी, और कुर्ग जाति का अध्ययन किया तो उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। ये सब चीज़ को याद रखिएगा, इससे याद रखने से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इसका अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MN श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी, तो प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने किस में की थी, तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया था, तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में उन्होंने अपनी अवधारणा को दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा जा रहा है कि अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूने ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किनका है, सोशल कंट्रोल, इंग्लिश में आएगा सोशल कंट्रोल, तो ये सिद्धांत किनका है, चार्ल्स कूने जी का है, और उन्होंने कौन से बुक, द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, कब दिया था, तो 1902 में, इसको भी याद रखिएगा, इसमें सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा जा रहा है कि किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मतलब नातेदारी के संदर्भ में इंडिया में बात कौन करती है, तो इरावती कड़वे, कौन करती है, इरावती कड़वे, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, इरावती कड़वे, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर पूछा गया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इरावती कड़वे, कौन हो जाएंगी, इरावती कड़वे, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा जा रहा है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इरावती कड़वे, कितने एक ही क्वेश्चन को दो बार तीन बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा जा रहा है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किनके द्वारा लिखी गई है, तो एन एसे ऑफ पॉपुलेशन ये जो पुस्तक है ये थॉमस माल्थस जी के द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा, थॉमस माल्थस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा जा रहा है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा, GH मीडर के द्वारा, मैं स्वयं का सिद्धांत, मैं और स्वयं का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है उनकी थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के किनका है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी का है,
इसको याद रखिएगा, ये GIC परीक्षा 2015 में पूछी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 पूछा जा रहा है कि आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक रोनाल्ड एरोसन जी के द्वारा लिखी गई है। आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, रोनाल्ड मार्क्सिज्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 पूछा जा रहा है कि कास्ट एंड इकोनॉमी फ्रंटियर्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक FG बेली जी के द्वारा लिखी गई है, कास्ट एंड इकोनॉमी फ्रंटियर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है कि विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, MN श्रीनिवास जी हो जाएंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन हो जाएंगे, WH वाइजर कौन हो जाएंगे, WH वाइजर। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी का सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।